हमारा अंतरिक्ष बहुत रहस्यमय चीजों से भरा पड़ा हुआ है। उसी में सबसे रहस्यमय ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल के पास से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। समय का बहाव ब्रह्मांड के विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है, यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है ब्रह्मांड में कहीं वह टाइम फास्ट या स्लो चल रहा होगा। इसको टाइम डिल्यूजन कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से तीन तरह के ही ब्लैक होल्स का पता लगा सके हैं। फर्स्ट, स्टेलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है, उसे ही स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। सेकंड, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होता है, उनको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। थर्ड, प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि अपना केंद्रता पदार्थ और ताप के कारण होता है, उसे हम प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। हालांकि वो सब पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, अगर वो नजदीक होते तो पृथ्वी को कब का निगल देते। अब यह सवाल है कि ब्लैक होल बनते कैसे है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को निगलना शुरू कर लेता है। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? आप ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाओगे, या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुँच भी जाए तो एक कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या आप दूसरी दुनिया में पहुँच जाएंगे, ये कोई नहीं जानता क्योंकि अब तक ये रहस्य ही बना हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई सवाल बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।